हियर्स माई इन्वॉइस, ये लैपटॉप का इन्वॉइस है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मुझे फ्री मिली है। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। तो सबसे पहले मैकाफी प्रीपेड कार्ड जो कि एंटीवायरस मुझे मिला है 2 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। देन वो वायरलेस माउस मुझे मिला है, किंगस्टन का 32 GB का पेन ड्राइव, रियल मी बैंड का वॉच एंड फिंगर बीटी नेक बैंड का ईयरफोन्स। देन दिस इज़ लैपटॉप ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा मुझे लेनोवो का बैकपैक मिला है। ये तो हुई 6 चीज़ें लैपटॉप को छोड़ के। देर इज़ वन मोर थिंग विच आई गॉट फॉर फ्री एंड अमाउंट, ये बहुत रीजनेबल रेट में मुझे मिला है लैपटॉप। सारी चीज़ें जानने के लिए आए, कीप वॉचिंग। सो गाइस, इनवॉइस आप लोगों ने देख लिया है, चेक द डेट। इसको मैंने परचेस किया था 2021 में, इसको यूज़ करके मुझे 2 साल हो गए हैं। एंड ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है गाइज, आई आई बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। ये लैपटॉप को यूज़ करके मुझे कैसा फील हुआ है, मैंने किस चीज़ को ध्यान में रख के लैपटॉप परचेस किया है, और ये कोई टेक वीडियो भी नहीं है। आई बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड, सबसे पहले बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लैपटॉप है ये मुझे बहुत ही ऐसे स्लीक पैटर्न में लगा, यू कैन चेक हियर। इसका जो टॉप है ये पूरा एलुमिनियम का बना हुआ है एंड इसका जो इनसाइड है सीधा ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके ऊपर मेटालिक कोटिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक लगा मुझे। और मैंने जिस बात को नज़र में रख के लैपटॉप परचेज की हूँ वो ये है, इसका कीबोर्ड। लुक एट दिस कीबोर्ड, इज सो कम्फर्टेबल। सिंस मैं बहुत ज़्यादा टाइपिंग करती हूँ, सो आई ऑलवेज प्रेफर ऐसे वाला कीबोर्ड जिसके जो कीज़ है वो थोड़े से बाहर की तरफ है, थोड़े उभरे हुए हैं। इसका हिंज क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है गाइस, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये 180 डिग्री पूरा मूव हो जाता है, सी दिस, पूरा 180 डिग्री हो जाता है ये। दिस इज़ वेरी वेरी गुड, विच आई रियली लाइक अबाउट दिस लैपटॉप। प्लस इसका वेट जो है तकरीबन 1.79 या 1.80 kg के आसपास होगा, लेकिन ये दिखने में बहुत स्लिम है, इजीली कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस लैपटॉप। सो गाइस, लैपटॉप के एक साइड पे आपको पावर पोर्ट, HDMI का केबल, USB-C पोर्ट एंड हेडफोन जैक मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड यू विल गेट SD कार्ड रीडर एंड USB-A 3.1 पोर्ट के 2 पोर्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा फ्रेंड्स, एंड इसका जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लुक आता है इसका। ब्रांडिंग की बात करें गाइस, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, आइडिया S340 राइजन 5 आइडिया पैड है ये। तो लेनोवो का एक लोगो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एंड दूसरा जो लोगो है वो यहाँ पे बाहर की तरफ मिल जाएगा, और यू कैन चेक योर आइडिया पैड S340 के जितने भी सीरीज़ है, i5 i10, तो उसका जो उसके सारे लैपटॉप का बिल्ड एंड क्वालिटी और लुक वाइज आपको सेम ही मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि उसके कंपोनेंट्स और उसके अंदर के प्रोसेसर्स चेंज होंगे, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले कीबोर्ड एंड टच पैड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका फुल HD डिस्प्ले है, 1080p IPS पैनल का डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड कीबोर्ड की बात तो मैंने आपको बता दी। इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है, अभी तो मैंने ब्राइटनेस कम रखा हुआ है, इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है ये जाता है 250 nits तक। सो दिस इज़ फुल ब्राइटनेस, मुझे इतना ब्राइटनेस लगता नहीं है तो मैं इसको थोड़ा कम ही रखती हूँ। कीबोर्ड का बैकलाइट ऑन करने के लिए आपको फंक्शन एंड स्पेस बार की एक साथ प्रेस करना होगा। एक बार प्रेस करने से लो ब्राइटनेस आपको दिखेगा, 2 बार प्रेस करने से थोड़ा हायर ब्राइटनेस एंड 3 बार प्रेस करने से इट विल टर्न ऑफ। कैमरा की बात करें तो गाइज, आपको 720 pixel का वेबकैम मिलेगा S340 आइडिया पैड में। इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि ये जो है फिजिकल प्राइवेसी शटर के साथ आता है, दैट मीन्स यू वोंट हैव टू गो अराउंड स्टिकिंग अ पीस ऑफ टेप ओवर द वेबकैम लेंस। कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, कितने लोगों ने अभी तक ये किया है। तो इस लैपटॉप को गाइज मैंने तकरीबन 2 साल यूज़ करी हूँ एडिटिंग पर्पस के लिए, एंड मैंने एक वर्चुअल मशीन भी ऐड कर रखा है इसके ऊपर। सो अभी तक मुझे कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ नहीं हुए, नो हीटिंग इश्यूज़ एंड कुछ लैगिंग नहीं दिखा मुझे, एंड मेरा सिस्टम भी हैंग नहीं हुआ है, स्लो नहीं हुआ है। सो ओवरऑल लाइक इन माई एक्सपीरियंस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अगर आप देख रहे हो 2023 में परचेज करना। So I think you can go for Lenovo IdeaPad S340 or i5 or i10.
मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा देती हूँ यहाँ पे, सो दैट यू आपको पता चल जाएगा कि इसका डिस्प्ले क्वालिटी और उसका साउंड क्वालिटी कैसा है, किस लेवल का है। मैं ये फ्रंट अपने फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको डिस्प्ले थोड़ा सा ब्लर दिखे, बट व्हेन यू सी इट फेस टू फेस इसका डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ डिस्प्ले लगा मुझे। ओवरऑल इसका डिस्प्ले जो है बहुत अच्छा है। की बोर्ड की बात मैं कर चुकी हूँ, टच पैड की अगर मैं बात करूँ तो टच पैड भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखा नहीं। परफॉर्मेंस रिलेटेड अगर बात करें तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी गाइस, बिकॉज ये टेक वीडियो नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ। सिस्टम, अबाउट, यूगो, यहाँ पे सारे डिवाइस के स्पेसिफिकेशन प्लस विंडोज़ के सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अभी आपको जो है मैं लैपटॉप ऑफ करके फिर ऑन करके दिखाती हूँ, सो दैट यू गाइज विल गेट एन आइडिया इसको कितना टाइम लगता है ऑन होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको शट डाउन कर दी हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत कम समय लेता है फिर से ऑन होने के लिए। लेट्स वेट। सो ये पूरी तरीके से शट डाउन हो गया है गाइस, यहाँ पे जो लाइट है वो ऑफ हो चुकी है। लेट्स ऑन इट नाउ। ये ऑन हो गया। सी इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत जल्दी ऑन हो जाता है लैपटॉप। तो फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हो 2023 में कोई लैपटॉप परचेज करने के लिए, सो मेक श्योर वो आप SSD वाला लैपटॉप ले, जैसे कि ये आइडिया पैड है S340 का, बिकॉज इसका जो बूटिंग टाइम है बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाता है, जस्ट टेक 3 to 5 seconds, बहुत जल्दी स्विच ऑन भी हो जाता है। साथ ही साथ इस लैपटॉप का कोई हीटिंग इशू भी नहीं है गाइज, एंड अगर गेमिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मैंने कभी कोई गेम नहीं खेली हो इस लैपटॉप पे, सो मुझे नहीं पता गेमिंग को लेके ये लैपटॉप कितना ज़्यादा अच्छा रह सकता है। फ्रेंड्स बैटरी एंड चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है कंटिन्यूस 8 hours बैटरी, उसका जो लाइट है दैट इज़ फॉर 8 hours, एंड येस इसका बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं पूरा दिन लैपटॉप यूज़ करती हूँ, एंड इसका बहुत फास्ट चार्जर दिया हुआ है 65 watt का, जिससे ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाता है। मैं ब्राइटनेस हमेशा 75% रखती हूँ, और एक बार 100% चार्ज करने के बाद ये जो लैपटॉप है आराम से मेरे लिए मेरे ब्राउजिंग के हिसाब से 6 to 7 hours आराम से चल जाता है, कभी कभी 8 hours भी चल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स ऑफ दिस लैपटॉप। सो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस पर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा आपको, प्लस आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, एंड एक और एक चीज़ कलर को रिलेटेड जो लोग बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि जहाँ तक मैंने नोटिस की है इसके स्क्रीन में आपको ऑरेंज कलर जो है वो हल्का रेडिश दिखेगा, सो दैट इज़ दी वन मोर कॉन विच आई हैव नोटिस्ड। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक चीज़ मुझे इसके साथ फ्री मिली थी वो है MS Office, जो इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको लाइफ टाइम के लिए MS Office के सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, एंड इसका प्राइस जो है मुझे लगभग पड़ा था 50,000 में। आपको मैं बिल दिखा देती हूँ, सी दिस, ये जो है मेरे को 50,000 में पड़ा था और मुझे इसके साथ ये 7 चीज़ें फ्री मिली थी। सो बिकॉज ऑफ सम रीज़न गाइज मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है वो ख़राब हो गया था, एंड दैट हैपेंड ट्वाइस। सो कैमरा का जो जब भी मैं कैमरा ऑन करती थी पूरा ब्लैक स्क्रीन मुझे दिखता था, बट देन आई मस्ट से जो लेनोवो का कस्टमर टीम है दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, मुझे कैमरा रिपेयर करके भी मिला, एंड एट द सेम टाइम मुझे एज अ गुडविल जेस्टर
ये वेबकैम भी मिला है, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं की हूँ. इफ़ यू गाइज वॉन्ट रिव्यू ऑन दिस डू कमेंट एंड लेट मी नो. इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. ये वेबकैम योर यूगो. सो इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ गाइज, बिकॉज अभी मेरा लैपटॉप का कैमरा जो है दैट इज़ वर्किंग फाइन. सो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. तो इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, सो दैट मैं आपको इसका भी रिव्यू दे दूँ. सो दिस इज दिस 8th आइटम आई वुड से जो मुझे फ्री मिला है एज अ गुडविल जेस्टर. इफ यू लुकिंग टू परचेज दिस लैपटॉप इन 2023 देन यू विल ईजिली गेट दिस लैपटॉप ऑन अमेजोन. आई विल टेल यू दी प्राइस. मैं यहाँ पे लिस्ट में डाल दूंगी. अगर आप नया लैपटॉप लेते हो तो इतने प्राइस में आपको मिलेगा, और अगर आप रिफर्बिश्ड लेते हो लैपटॉप तो आपको थोड़े कम प्राइस में मिलेगा. मैं यहाँ पे लिस्टिंग में डाल दूंगी गाइज. एंड रिफर्बिश्ड क्या होता है कि किसी ना किसी कारण की वजह से लैपटॉप जो है कस्टमर से रिटर्न हो जाता है अमेजोन को, बट इंटैक्ट होता है, एकदम अच्छे कंडीशन में होता है और फिर से सेल के लिए निकलता है. तो उसका प्राइस जो है रिफर्बिश्ड होने पे, चेकिंग होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है. सो यू कैन परचेज दोज लैपटॉप्स एज वेल. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप एज पर माई एक्सपीरियंस. That's it for the today's video guys. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर देना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.